हेलो गाइस, बहुत ही तगड़ी सी वॉच इस बार फाइनली आ चुकी है। बहुत दिनों से इसका मैं वेट कर रहा था और ये बहुत दिनों के बाद मुझे फाइनली मिल चुके। तो कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको अनबॉक्स करते, उसके सारे फीचर्स देख लेते। और इसमें गाइस खास बात ये है कि इसमें ऑन ऑफ करने पर आपको एकदम छोटा वाला एप्पल का लोगो देखने को मिलता है। कॉलिंग वगैरह फीचर इसमें अवेलेबल है, बहुत सारा कुछ है। तो मैं अभी आगे वीडियो में बता दूँ, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको अपना फाइनल रिव्यू भी दूंगा इसको चेक करके, यूज़ करके। तो गाइस चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को शुरू करते। तो इस वॉच का बॉक्स कुछ इस तरीके वाइट कलर के डब्बे में आता है। यहाँ पे आप प्रॉपर बैक साइड में देख पा रहे हैं सीरीज 745mm का लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो और यहाँ पे बहुत कुछ उर्दू भी लिखा हुआ है, तो अपन इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको सिंपली अभी हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको खोल लिया है और यहाँ आपको अंदर में दो बॉक्स देखने को मिलते हैं। और इस अंदर में आप देख पा रहे हैं डिज़ाइन वगैरह बहुत प्रॉपरली अच्छे से दिया हुआ है। दो बॉक्स यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से देखने को मिलते हैं, एक तो स्ट्रैप्स का बॉक्स और एक रहा अपने वॉच का बॉक्स। तो अपन सबसे पहले स्ट्रैप्स के बॉक्स में देख लेते हैं कि क्या आता है। तो स्ट्रैप का बॉक्स कुछ इस तरीके से है, बैक साइड में इसके सब इंक्लूड्स वगैरह लिखे हुए हैं और इधर साइड में आप देख पा रहे होंगे सब कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। तो अभी अपन इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये खुल चुका है अपना बॉक्स और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर यहाँ पे आपको आईफोन वाली ब्रांडिंग देखने को मिलती है, वॉच साइड में लिखा हुआ है। और ये रहा अपना स्ट्रैप, तो स्ट्रैप हम लोग निकाल लेते हैं, स्ट्रैप की क्वालिटी देख लेते हैं एक बार। तो गाइस स्ट्रैप की क्वालिटी फील हो रही है, अच्छी लग रही है। आपको वीडियो में शायद नहीं समझ में आ रहा होगा पर क्वालिटी में पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ, अच्छी है काफ़ी, बेकार नहीं है। यहाँ पे आपको क्वालिटी वगैरह इसकी अच्छी देखने को मिल जाती है। अब पढ़ते अपन इसके डायल के तब। तो ये रहा अपना मेन चीज़, तो इसका बॉक्स भी अपन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे शायद आपको चार्जर और डायल देखने को मिल रहा है गाइस। तो यहाँ पे आपको सिंपली मस्त एक डायल देखने को मिलता है बाजू में और ये रहा उसके पुस्तकें। तो ये पुस्तकें हम लोग कभी नहीं पढ़ते, इसको रख देते साइड में। और ये रहा अपने को वायरलेस चार्जर, बिल्कुल फुल्ली वायरलेस है गाइस, कोई इसमें आपको पिन वगैरह देखने को मिलता, सिर्फ आपको जो ये डायल है इस वाले बॉक्स मतलब चार्जर के ऊपर ऐसा रखना पड़ेगा सिंपली, जिधर से चिपकता है इधर साइड से चिपकता है। तो इधर से आप प्रॉपर भी लग सकते हो और उतना मैग्नेटिक पावर तो नहीं है, छूट जा रही है। तो अभी अपन अनरैप कर लेते हैं वॉच के मतलब अपने डायल को। तो ये हो जाती है हमारी अनरैप और इसको लगा लेते हैं हम लोग पहले तो स्ट्रैप्स। और गाइस डायल थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है 45mm में, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो अभी अपन सिंपली इसको पहले स्ट्रैप लगा लेते हैं, फिर बढ़ते हैं हमने वीडियो में आगे। तो गाइस वॉच को स्ट्रैप लग चुके, अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो दो बटन आपको देखने को मिलती है, एक स्क्रोल वाली उसके जस्ट नीचे माइक देखने को मिलता है और उसके जस्ट नीचे दूसरी बटन देखने को मिलती है। और अगर साइड में अपन देखते हो तो यहाँ पे आपको स्पीकर देखने को मिलता है, बैक साइड एकदम नीट एंड क्लीन है क्योंकि ये वायरलेस चार्जिंग है। और बैक साइड में आप देख पा रहे होंगे गोल गोल जो बने हुए हैं, ये एक्चुअल में सेंसर से इसके जो कि एक्यूरेट नहीं होते, अप्रॉक्सीमेट बताते आपको। तो अभी अपन इसको नीचे वाले बटन दबा के रख के, इस वाले बटन को दबा के रख के ऑन कर लेते हैं। ऑन करते ही आपको प्यारा सा एप्पल का लोगो देखने को मिलता है जो कि प्रॉपरली बना हुआ है, मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा एप्पल का लोगो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, प्यारा लग रहा है। 45mm का है तो बहुत अच्छा एक लुक देखने को मिलता है। ये गाइस जो पहला फेस है इसके ऊपर अगर आप टैप करते हो तो इसके आप कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हो और ये लाइक ओरिजिनल ऐसा घूमता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी मैं आपको पूरे फेसेस आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। तो ये अभी अपन चालू कर दिया फेस दिखाना, तो आप चेक कर लीजिए कितने सारे इसमें फेसेस हैं। कम से कम 20 या 25 के आसपास इसमें फेसेस आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त है। और इसमें गाइस आप खुद का वॉलपेपर वगैरह भी लगा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम तो आपको देने नहीं वाला ये फेस के चक्कर में। बहुत सारे फेसेस गाइस, तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि सारे इसमें कवर को, हाँ मेरे ऑलमोस्ट कवर हो गए। अगर आप राइट स्वाइप करते हो तो यहाँ पे आपको जो है फेसेस वगैरह चेंज हो जाते हैं, राइट से लेफ्ट स्वाइप करते हो तो उसमें भी सेम है। अगर आप ऊपर स्वाइप करते हो तो यहाँ पे आपको जैसे अपना एंड्रॉइड फ़ोन में आता है और एप्पल के फोन में आता है वैसे कुछ आ जाता है। यहाँ पे बाइंग का डिवाइस मतलब बाइंग करने का ऑप्शन आ जाता है, ब्राइटनेस वगैरह सब सेट करने का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से आप थीम्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी अपन स्मार्ट स्टाइल में रखते हैं, तो स्मार्ट स्टाइल में बहुत ज़बरदस्त दिखता है। फिर से मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको क्यू आर कोड मिल जाता है। तो ये WW फिट नाम के एक एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाती है, तो ये इसका क्यू आर कोड है। इस क्यू आर कोड को स्कैन करके इसका एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको टॉर्च का भी ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि उतना इफेक्टिवली काम नहीं करता है। बाद में आप सेटिंग में जाके यहाँ पे आप देख सकते हो क्लॉक की सेटिंग है, BT की सेटिंग है, साउंड वगैरह है, वॉल्यूम वगैरह है, डिस्प्ले वगैरह सब सेटिंग है। यहाँ पे आपको अबाउट में जाके इसका मॉडल नंबर भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
A24 74, इसका मॉडल नंबर ऊपर में आपको एप्पल वॉच 7 प्रॉपर लिखा देखने को मिल जाता है, नीचे सीरियल नंबर वगैरह भी है, तो बहुत अच्छे से इसमें ब्रांडिंग की गई है। बाकी अभी अपन चलते मेनू की तरफ, तो यहाँ पे गाइस आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, और आप इसको ओरिजिनल जैसा जूम करके ओपन भी कर सकते हो, जैसा ओरिजिनल में आप फंक्शन ओपन करते हो, जैसे अभी अपने को ब्लूटूथ ओपन करना है तो ब्लूटूथ को बीच में ला लेंगे और इसको अपन जूम करके ऐसा ओपन कर लेंगे, सॉरी अच्छा हाँ देखिए इसे ओपन हो गया, तो ऐसा स्क्रॉल करके आप ओपन भी कर सकते हो। जूम इन जूम आउट का अच्छा एक काम कर लेता है, कैलेंडर वगैरह सब इसमें अवेलेबल है, और गाइस बहुत सारे फीचर्स भी इसमें, म्यूजिक वगैरह सब कंट्रोल कर सकते हो, टाइमर वगैरह क्या है, स्पोर्ट्स मोड्स हैं, कॉलिंग वगैरह यहाँ से आप कर सकते हो, कॉल वगैरह के लिए सब डायल कर सकते हो। और गाइस ये रहा अपना हार्ट रेट वगैरह का सेंसर, जो कि एक्यूरेट नहीं होता गाइस, ये देखिए, ये देखिए आपको बैक साइड में आपको दिखा देता हूँ, ये सेंसर चालू हो गया, बट गाइस ये जो सेंसर से ये एक्यूरेट नहीं होते, अप्रॉक्सीमेट बताते, तो इनके ऊपर भरोसा मत करना, इसको हम लोग इग्नोर मार देते। बाकी यहाँ पे सीरी वगैरह का सब सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, बट ये इतना इफेक्टिवली काम नहीं करता ओरिजिनल जैसा, तो आप इसके ऊपर भी भरोसा मत करना। बाकी यहाँ पे गाइस लैंग्वेज वगैरह का सपोर्ट है, बहुत सारे अच्छे अच्छे थीम्स यहाँ पे दी गई है, तो आप बाद में चेकआउट कर सकते हो। ये देखिए अपन ने थीम दूसरी ले, तो बैकग्राउंड साइड में आपको दिख पा रहा हूँ कुछ, तो भी अच्छा सा बैकग्राउंड नॉइज़ मतलब बैकग्राउंड में इमेज आ गया, तो अभी अपन सिंपली एक दो थीम देख लेते, जैसे 6 ग्रिड पे क्लिक किया है मैंने, तो ये इस टाइप का कुछ थीम आ जाता है, तो जैसे बहुत सारे कैलकुलेटर भी इसमें अवेलेबल गाइस, तो कैलकुलेटर भी आप कर सकते हो। बाकी स्पोर्ट्स मोड्स वगैरह तो सब दिया है, सब मैंने आपको डिस्कस कर लिया, अब मैं इसको थोड़ी देर यूज़ करता हूँ। बाकी डिस्प्ले गाइस बहुत जबरदस्त देखने को मिल रहा है, इसमें डिस्प्ले गाइस देखिए बहुत फुल है, पूरा कर्व में आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, ये देख पा रहे होंगे तो आप, जैसे आप अगर आपको वीडियो में समझ पा रहा होगा, तो गाइस ये बिल्कुल कर्व में इसका डिस्प्ले है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ऐसे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश तो कर रहा हूँ पास से, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो, डिस्प्ले बहुत अच्छा है, फुल है, 1.89 इंच का शायद डिस्प्ले इसका होगा, मैंने गिना तो नहीं है, बट 8-9 इंच के आसपास इसका डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। तो गाइस अभी मैं इसको सिंपली यूज़ कर लेता हूँ 1 से 2 दिन, और आपको फाइनल रिव्यू में देता हूँ थोड़ी देर में। इस वॉच को मैंने बहुत ही तगड़े तरीके से यूज़ कर लिया है, और गाइस इसमें वेकअप कैप्चर बहुत गजब तरीके से काम करता है, और गाइस इसमें गेम्स भी है, गेम्स भी आप खेल पाओगे, 2 से 4 गेम्स इसमें अवेलेबल है, और गाइस हाथ में बहुत ही ज़बरदस्त लुक आपको देखने को मिलता है, बहुत प्रोफेशनल वाला एक लुक देखने को मिलता है, फॉर्मल लुक आपको देखने को मिलता है, डिसेंट लुक आपको देखने को मिलता है, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लुक आपको देखने को मिलते हैं। और गाइस इसका बैटरी पैकअप आपको थोड़ा सा निराश होंगी ये सुन के कि इसका सिर्फ 6 से 12 घंटे के बीच का बैटरी पैकअप है, इससे ज़्यादा इसका बैटरी पैकअप से आप एक्सपेक्ट मत करना, अगर आप बिना कनेक्ट किए इसको यूज़ करते हो आपको हो सकता है 1 से 2 दिन आपको चल जाए आराम से, और वेकअप गैशियर अगर आप ऑफ रखते हो तो, मैंने ऑन रखा था वेकअप गैशियर, इसलिए मुझे 6 से 12 घंटे के बीच में इसका बैटरी पैकअप मिला है, जो कि थोड़ा सा कम है, बट अगर आप वेकअप गैशियर बंद कर देते हो और अपने मोबाइल से डिस्कनेक्ट करके इसको यूज़ करते हो टाइम वगैरह देखने के लिए, तो गाइस आपको हो सकता है 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाए, बट गाइस वॉच सच में बहुत ज़बरदस्त है, कॉलिंग वगैरह आप इजीली कर पाते हो, बैकग्राउंड नॉइस वगैरह आपको हल्की बहुत देखने को मिलती है, बाकी उतने कुछ दिक्कत नहीं है। और गाइस इसमें सिर्फ आपको नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिलेंगे व्हाट्सएप और फेसबुक की, इंस्टाग्राम वगैरह की, मतलब जो भी अपने टेक्स्ट मैसेज वगैरह आते हैं वो मोबाइल पे, उसकी सिर्फ नोटिफिकेशन आपको इसमें देखने को मिलती है, बाकी आप व्हाट्सएप वगैरह इसमें नहीं चला सकते, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं चला सकते, इंटरनेट वगैरह ऐसा कुछ भी आप ऑप्शन इसमें देखने को नहीं मिलता है आपको। आप इस वॉच को डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, अगर आपको ये वॉच 2300 से 2500 के बीच में अगर मार्केट में मिलती है तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, थोड़ा सा प्रीमियम लुक आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हो तो मैं इसकी बाइंग लिंक नीचे दे दूंगा, या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, तो आप वहाँ पे मैसेज करके इसको ऑर्डर करवा सकते हो, हमसे भी परचेस कर सकते हो या फिर किसी और से भी परचेस कर सकते हो, बस रेंज आप ध्यान में रखना कि 2200 से 2500 के बीच में अगर आपको ये मिलती है तो एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपके लिए हो सकता है। तो चलिए गाइस इसी के साथ इस वीडियो को बंद करते हुए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेक श्योर कि आप हमारे सब्सक्राइब का बटन दबा दो जोर से, और इस वीडियो को लाइक भी करते चलो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो।